मेरे चैनल कैफे शर्मिला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंस्टा स्टोरी पर गिफ्ट स्टिकर्स कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये गिफ्ट स्टिकर्स आपकी स्टोरी पर एंगेजमेंट और व्यूज बढ़ाने की हेल्प करेंगे। गिफ्ट स्टिकर्स क्रिएट करने के मैं आपको दो मेथड्स बताने वाली हूँ। ये दोनों ही मेथड बहुत ही इफेक्टिव है और वर्किंग भी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 5 to 6 सेकेंड्स की वीडियो बनानी है। इस वीडियो में आपको जेस्चर मूवमेंट्स करनी है, जैसे स्वाइप, लाइक, डांसिंग। वीडियो बनाने के लिए आपके पास DSLR कैमरा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो मोबाइल से भी शूट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक वीडियो शूट करके दिखाती हूँ। स्टेप आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर पे आप unscreen.com वेबसाइट पर सर्च करना है। ये unscreen.com वेबसाइट क्या करती है, तो ये ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट करती है और पिछले वाले बैकग्राउंड को रिमूव कर देती है। यहाँ पर आपको एक अपलोड क्लिक का बटन दिखाई दे रहा होगा, वहां पे क्लिक करना है और आपकी वीडियो फाइल अपलोड कर देनी है। अपलोड होने के बाद आपको नीचे जाके एक डाउनलोड की बटन दिखाई दे रही होगी, वहां पे एक ट्रायंगुलर साइन दिखाई दे रहा होगा, वहां पे क्लिक करना है और गिफ्ट पर क्लिक करके डाउनलोड कर देनी है। अब आपकी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे GBOX ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर देना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है इसलिए मैं ओपन कर रही हूँ। इसे लॉगिन कर देना है। अब आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, वहां बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। नीचे GBOX कीबोर्ड का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां पे क्लिक करना है। GBOX कीबोर्ड ओपन होने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और इनेबल सेटिंग में जाना है। अब आपके सामने GBOX कीबोर्ड ये ऑप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको Instagram पर जाना है, उसके बाद आप स्टोरी पर जाना है। स्टोरी पर आप अपनी एक इमेज और वीडियो डाल सकते हैं। इमेज डालने के बाद आपको टेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। अब आपके सामने नॉर्मल कीबोर्ड दिखाई देगा, पर आपको GBOX कीबोर्ड को इनेबल कर देना है। अब आपके सामने GBOX कीबोर्ड ओपन हो चुका है। उसमें गिफ्ट के बाजू में आपको एक पिक्चर्स की ऑप्शन दिखाई देगी, वो पिक्चर्स की ऑप्शन आपको क्लिक कर देनी है। डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। आपकी स्टिकर्स यहाँ पर आ चुकी है, इसे क्लिक कर देना है। आपकी स्टिकर्स अब अपलोड हो चुकी है। ये कितनी क्यूट डिग्री है, उस स्टिकर को आपको एडजस्ट करना है और एडिशनल आप फीचर्स डाल सकते हैं, जैसे न्यू पोस्ट, हैप्पी दिवाली। तो ये रही आपकी स्टोरी पर खुद की गिफ्ट स्टिकर्स। तो चलिए मैं आपको दूसरा मेथड बता चुकी हूँ। आपकी फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है, unscreen.com पर आप जाके रिमूव बैकग्राउंड कर देना है। स्टेप आपको क्रोम ब्राउजर पर giphy.com ये वेबसाइट सर्च करना है। आपको पहले लॉगिन कर देना है। स्क्रीन पर प्लस साइन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। ऑप्शन दिखाई देंगे, वहां पर सेकेंड ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और आपकी वीडियो फाइल अपलोड कर देनी है। वीडियो अपलोड होने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे टेक्स्ट, फीचर्स। तो मैं टेक्स्ट पर क्लिक कर रही हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कूल,
न्यू पोस्ट स्वाइप अप। इसके बाद नेक्स्ट करना है, फर्स्ट रो आपको ब्लैंक छोड़नी है, सेकंड टैग्स आपको लगाने हैं। टैग्स बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपकी स्टिकर्स आपकी सर्च में ला देगी। इसमें आप डाल सकते हैं जैसे स्वाइप अप, न्यू पोस्ट, पीछे दिए हुए अपलोड को आप क्लिक कर देना है तो आपका स्टिकर्स अपलोड हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये गिफी वेबसाइट क्या करती है। अब आपका स्टिकर्स अपलोड हो चुका है तो पहले मेथड में आपने देखा कि आप अपने ही स्टिकर्स अपलोड कर सकते थे, पर गिफी से आप क्या करते हैं, आपने जो स्टिकर्स गिफी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं वो स्टिकर्स गिफी वेबसाइट उसे वेरीफाई करती है। मतलब ये है कि दूसरे लोग आपके स्टिकर्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये हुई ना कमाल की बात। स्टिकर्स के नीचे सेंड ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वहां पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक मैसेज आएगा सेंड वाया ईमेल। तो मैं ये नहीं चाहती कि सेंड वाया ईमेल जाए, तो इसके लिए मैंने गिफी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया है। अब गिफी एप्लीकेशन ओपन कर देना है, दिए हुए पर्सन पर क्लिक कर देना है। वहां पर आपको बहुत सारे स्टिकर्स दिखाई देंगे, एक स्टिकर्स आपको सिलेक्ट कर देना है। स्टिकर्स के नीचे एक सेंड बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। अभी इंस्टा स्टोरी पर क्लिक कर देना है। आपकी स्टिकर्स यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो ये रहे आपके दोनों मेथड्स। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर देना। कैफे शर्मिला एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। इस चैनल के पुराने वीडियोस देखने के लिए ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडल यहाँ पे नीचे दिया होगा। मेरी ये फर्स्ट टेक्निकल वीडियो थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर देना। तो चलिए मैं आपकी रजामंदी लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और हैप्पी दिवाली।